सामने आ रही है आपके 4 सालों में स्कूल में जो छोटी बच्चियां हैं वह सबसे अधिक रेप केस हुए हैं और हर साल उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि आप खुद मुद्दे को उठाते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है कि बच्चे जब स्कूल जाए माँ बाप निश्चित होते हैं बच्चे सुरक्षित रहेगी, अगर वहीं रेप होगा वहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो बेहद खतरनाक रहता है। मुझे लगता है कि आप स्कूल निश्चित रूप से, क्योंकि ये वो 16 साल की होती हैं, 18 से कम की होती हैं, बालिक नहीं होती हैं, और आप स्कूल की चारदीवारी में जब किसी बच्ची को भेज देते हैं तो आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि वो वहां पर सेफ है। मैं तो कहूँ स्कूल की बात क्यों करते हैं आप, क्यों हम ऐसा राजस्थान नहीं बनाएं, क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें कि हम आधी रात को भी हमारी बच्चियां जाएं तो बेखौफ होकर जाएं, क्यों हम ऐसे राजस्थान की कल्पना नहीं करें। मुझे लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है, हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है और उसके लिए सबको पहल लेनी पड़ेगी। बट भाई मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूं और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे, मेरे तो खुद के लठ बज रहे हैं सरेआम, 20-20 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं जबकि मैं पुलिस कस्टडी में गई हूं, पुलिस सुरक्षा में गई हूं, मैंने SP से पुलिस सुरक्षा ली है, मेरे आगे 2 पीछे 2 गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है, 2 दिन पहले मुझे धमकी मिलती है, 5 थाने वहां पे तैनात होते हैं, एडिशनल SP वहां तैनात है, CO तैनात है, 4 इंस्पेक्टर्स आपके थाने तैनात है, कितनी पुलिस फोर्स बुला रखी थी आपको, आपको पता था वहां आशंका थी, और मैंने जब वहां पे हुआ उससे पहले अपनी गाड़ी 3 किलोमीटर पे रोक के SP से बात करी थी कि मेरे पे हमला होगा, बोले नहीं साहब हमारा पर्याप्त व्यवस्था है, आपके साथ सिक्योरिटी और हमारे पास पर्याप्त बल है, उसके बाद सरेआम मेरे पे हमला हो जाता है और आप अरेस्ट नहीं कर पाते, IG बताए क्यों नहीं कर रहे अरेस्ट, मैं भी महिला हूं लेकिन ठीक है, मैं सक्षम हूं कि इन हमलों के बाद भी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर सकती हूं, लेकिन बात उनकी है जिनकी आवाज बनने के लिए हम इस सदन में आए, उस जनता की आवाज बनने के लिए आए, उसकी है, उन बेजुबानों की है जिस जो विश्वास का मत देकर हमें सदन के अंदर भेजते हैं कि हमारी आवाज आप उठाएंगे, मैं उनकी आवाज उठाने आ रही हूं।